नमस्कार, इंडिया ट्रैप न्यूज में आपका स्वागत है। गुरु सम्मान समारोह के रूप में अग्रवाल धर्मशाला बलिया में आयोजित बलिया निर्माण दिवस के अवसर पर दयानंद विद्या मंदिर के 1981-82 के छात्रों द्वारा एक गुरु सम्मान समारोह के रूप में अग्रवाल धर्मशाला बलिया में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 1981-82 में हमें पढ़ाई 12 गुरुजनों को अंग वस्त्र एवं उपहार दे सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मेरे गुरुदेव श्री वीर बहादुर भारती रविन्द्र शुक्ला जी, सुभाष जी, श्रीमती आशा मिश्रा जी एवं राजेश चंद्र पांडे जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत गान एवं सरस्वती वंदना अशोक गुप्ता जी ने किया। इसके बाद सभी छात्रों ने अपना अपना परिचय दिया तथा गुरुदेव लोगों ने अपने आशीर्वचनों से अपने सभी को अभिसंचित किया कि इस कार्यक्रम के आयोजन में सदल अग्रहरी आनंद त्रिपाठी, शंभु चौरसिया, घनश्याम सिंह, राजीव सिंह का सहयोग रहा। 38 वर्ष बाद अपने सहपाठियों एवं गुरुजनों के दर्शन की अभिलाषा में मनीष श्रीवास्तव भोपाल से, रविंद्र मिश्रा सारनाथ से, कुंवर विजय प्रताप सिंह दिल्ली से, विवेकानंद श्रीवास्तव त्रिपाठी लखनऊ से तो कृष्ण मोहन सिंह अधिवक्ता इलाहाबाद से आए, विपुल श्रीवास्तव विदेश में तो संजय चौबे गुजरात में रहने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क में रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन संचालक आशुतोष गोयल, कन्हैया अग्रवाल और राजीव मिश्रा ने किया। बता दीजिए। मैं आभा मिश्रा, शिक्षिका हूँ जी। आज आपको सम्मानित किया गया, क्यों किया गया, क्या था ऐसा? इन बच्चों ने गुरु और शिष्य की जो प्राचीन काल से ये परंपरा चली आई है उसको इन लोगों ने फिर से इस समाज में लाने की कोशिश की, क्योंकि अब समय बदल गया और पहले जैसी चीजें अब नहीं रह गई हैं। आज के छात्र तो जो है वो देख करके भी सोचते हैं नहीं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि हम लोग जब पढ़ाते थे अपने दयानंद विद्या मंदिर में, आज भी वो छात्र जो है हमें देखते हैं तो तुरंत आकर के हमारा पैर स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि मैम क्या जी। ये कार्यक्रम कितने दिन चल रहा है, कितने सालों चल रहा है? नहीं, ये तो इन बच्चों की सोच है, इन लोगों ने इतनी सुंदर सोच है। इसका कारण भी हम बता देते हैं कि शायद हम लोगों ने बचपन में इन लोगों के हृदय में जो बीज बोए थे वो आज सोने के खलिहान हो करके दिखाई दे रहे हैं। जी, जैसे आज विद्यालयों में देखने को मिलता है शिक्षक हो किसी को भी आज पीट दिया जाता है, जो बच्चे जाते हैं वो भी कोई आदर भाव नहीं है, ना सलामी है, ना कुछ है। ये तो कमी है, ये कमी हमारे गार्जियन की भी है, अध्यापकों की है, प्लस जो है हमारे जो शिक्षा का स्तर जो है वो भी कुछ बहुत पहले की अपेक्षा गिर चुका है, जिसमें ये हमारे भाई ने कहा कि नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है कि बड़ों से कैसे व्यवहार करें, स्कूल में कैसे करें, बाहर कैसे करें। कि यही कारण है कि संबंधों का कोई माने मतलब नहीं है जी। ये कार्यक्रम किनके द्वारा आयोजित की गई थी? ये हमारे छात्र जो पुराने छात्र हैं मेरे। क्या नाम है? सदन जी। हाँ, सदन अग्रही और जितने हमारे छात्र हैं इन लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। ये कितने लोगों का किया गया है सम्मानित? 13 लोग। जी, आपका सम्मान कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि शायद हम लोगों की मेहनत जो है वो सफल हो रही। जी, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को संदेश यही देना चाहते हैं कि गुरु और परंपरा की जो गुरु और शिष्य की परंपरा जो शुरू से चली आ रही है उसको बनाए, समाज को उन्नति के मार्ग पे ले जाने के लिए उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं मनीष श्रीवास्तव, मैं वृद्धाश्रम में रहता था इसी जमाने में, लेकिन अभी वर्तमान में मैं भोपाल से हूँ जी। आज कार्यक्रम में आए हैं, कैसा कार्यक्रम था? मैं किनके द्वारा था? सदन बाबू द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम था और मैं अभी 3 दिन पहले इसी प्रोग्राम के लिए सिर्फ भोपाल से आया हूँ, और सदन बाबू को और बाकी सारे सदस्यों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 38 साल बाद, पिछले 38 साल के बाद मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से मिला हूँ, मैं आयोजक मंडल के और सभी सदस्यों को, मेरे साथ के जितने लोग भी हैं दयानंद 82 ग्रुप के, सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बताइए, मेरा नाम है रविंद्र विक्रम, रविंद्र विक्रम
जी और ये पूरा छात्र हम लोग थे बयासी बैच के, उन लोगों का एक सम्मेलन था, हम लोग इकट्ठा हुए और अपने गुरु जी को हम लोग सम्मानित किए। जी आज जिस तरह से अपने गुरुजनों को अपमान करते हैं, माँ बाप को भी नहीं पूछते हैं, आप इस तरह से आपने गुरुजनों का आपने सम्मान दिया, तो लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो सम्मान नहीं करते हैं? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी को चाहे किसी पद पर हो, अपने माँ बाप, अपने गुरुजन, अपने आस पास के लोग सम्मान में लिखते हैं, उनका सम्मान देगा तो सम्मान उनको मिलेगा। आप हुए तो वही काटेंगे, मैं तो यही चाहूँगा कि आप जी। मेरा नाम जयशंकर वर्मा है और मैं दयानंद का मतलब छात्र रह चुका हूँ। और सर हम लोग जो पढ़ाई के समय में वो हमें नैतिक शिक्षा सिखाया जाता था, गुरुजनों से कैसे व्यवहार करें, अपने घर में कैसे व्यवहार करें, जिसका देन है कि आज ये कार्यक्रम ये हुआ है। और हम लोग के हृदय में आज भी गुरुजनों के प्रति बहुत सम्मान है। आज जो है स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है इससे सारे सिलेबस है, लेकिन नैतिक शिक्षा का जो पाठ है वो टोटल खत्म कर दिया गया है। लड़के पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। किसको दोष देंगे इसको? शिक्षा संस्था को दोष देंगे, जो शिक्षा प्रणाली को दोष देंगे, जो अपने सिलेबस से नैतिक शिक्षा का पाठ टोटल खत्म कर दिया। मेरा नाम कुमार विजय प्रताप सिंह है, हमारे मित्र सदन और उनके साथ के लोगों ने जो बढ़िया में हमने आयोजन किया, सारे मित्र जो है लगभग 38 साल के बाद एक दूसरे से मिले हैं। जी हम आपसे जानना चाहते हैं आज के जो जमाना है जो अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं, जो गाली देते हैं, आप इन महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे जो इस तरह का हरकत करते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है हम लोग की पीढ़ी जो है माता पिता और गुरुजनों के सम्मान की आखिरी पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं आज भी हम महसूस करते हैं कि बच्चों के अंदर जो है गुरुजनों के प्रति सम्मान नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें माता पिता के ऊपर निर्भरता है, गुरुजन भी आज ऐसे प्रोफेशनल आ रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर ली 8 घंटे की उम्र खत्म, जबकि हमारे गुरुजन थे कि वो हमारे घर तक भी पहुँच जाते थे कि भाई आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा। जबकि आज के समाज में जो पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो है टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आते हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी की छुट्टी, जबकि हमारे समय में जो हमारे गुरुजन हैं उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि आपका बच्चा, आपका लड़का, आपकी लड़की जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसमें ये कमियाँ हैं, वो कमियाँ हैं, वो व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताते थे, जबकि आज का समय ऐसा नहीं है। आज जो है जो हमारे टीचर्स हैं वो शुद्ध रूप से प्रोफेशनल है और माता पिता भी प्रोफेशनल हो गए, अपनी ड्यूटी पूरी की बच्चा जो भेजा उनका समय नहीं है, वो जो है अपने बच्चों को देख पा सकते, वो बच्चों के लिए अपनी सुविधाएँ दे सकते, लेकिन बच्चों के लिए समय देना बहुत अनिवार्य है। ठीक, पहले गुरुजन भी करते थे और माता पिता भी करते हैं, हम अपने सभी माता पिताओं से निवेदन करते हैं, अपने गुरुजनों से निवेदन करते हैं कि वो बच्चों को एक एक बच्चे को बहुत समय दें, उतनी संख्या में छात्र अपने क्लासों में रखें जिसके वो देख रेख कर सकें। ठीक है, ठीक है। आपने फिर बहादुर गोस्वामी भारती जी दयानंद विद्या मंदिर में प्रिंसिपल रहा, 1912 को रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद से है अपने कार्य में लगे हुए। आज आपको सम्मानित किया गया, ये हमारे बहुत पूर्व छात्रों ने सब कार्यक्रम को आयोजित किया था और आयोजित करके जितने हमारे पहले के गुरुजी हैं सबको सम्मानित किया। ये आज आपको कैसा लग रहा है सम्मानित होकर? हमको लग रहा है जिस समय हम लोग इनको 80-81 और उससे पहले भी पढ़ाए थे वही जो है हम लोग को सम्मान मिल रहा है। जी आज प्रिंसिपल भी आज के रवैया आप देख रहे हैं किस तरह से आज के रवैया जो है आज के रवैया जो पूछ रहे हैं केवल मात्र गुरुजनों के ढिलाई से उनको भुगतना पड़ रहा है। जी हम लोग के जमाने में सुन लो पहले, हम लोग के जमाने में कोई ऐसा गार्जियन कोई बच्चा किसी प्रकार की शिकायत लेकर नहीं आता,
आज अगर किसी बच्चे को कुछ कह दिया जाए तुरंत गार्जियन पहले मुकदमा करने के लिए तैयार है। हम लोग के जमाने में ऐसा नहीं होता, हम लोग गुरुकुल प्राणी के आधार पर शिक्षा देते और बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा आयोजित करते थे और बच्चों से बुलवाते थे, उनके बोलने की भाषा वगैरह सब बताते थे। जी आपने अभी कहा अगर कोई मास्टर उनको डांटता है चाहे पीटता है तो अपने गार्जियन से कहते हैं, गार्जियन मुकदमा यह तो मास्टर को बोलता है, क्या बच्चों को बिगाड़ने में क्या गार्जियन का हक 1000% रहा, अपने बच्चों को बिगाड़ने में गार्जियन का 1000% रहा। तो क्या ये हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप लोग क्या संदेश देंगे पूरे देश को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे भूतपूर्व छात्रों ने जो हमको सम्मान दिया उस सम्मान के हम लोग लायक थे तब दिए, अगर उसके लायक नहीं होते तो सम्मान नहीं देते। हम लोग आज भी प्राइवेट लड़के रोड पर चलते हैं तो सम्मान देते हैं, लेकिन बड़े क्लासों के देख करके बच्चे कतरा जाते हैं, इसलिए कि उनको शिक्षा मिलती ही नहीं, कोई एक घंटा कोई पढ़ाने को मास्टर तैयार नहीं है। अब जाकर सारे कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, देख लीजिए कभी भी हम लोग 8-8 घंटा लगा के एक एक मास्टर की ड्यूटी 8 घंटे पढ़ाने के थे और 8 घंटा खड़े होकर हम लोग पढ़ाते थे। जी बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप के साथ अध्यापक भी गलती है, अध्यापक की 101% गलती है। अध्यापक पढ़ाएगा, अध्यापक पढ़ाएगा तो क्या बच्चे की हिम्मत है कि कार्यक्रम न करे, कार्य न करे? कहिए। मैं राजेंद्र प्रसाद पांडे अध्यापक हैं। जी आज किस प्रकार का कार्यक्रम था, आपको सम्मानित किया गया था? गुरुजनों का सम्मान समारोह। जी कार्यक्रम में पूर्व के हमारे सभी सहयोगी सहकर्मी प्राचीन छात्र। जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं समझता हूँ कि जीवन की बहुत अच्छी उपलब्धि रही और ये जीवन की लिए यात्रा। जी आज का परिवेश जो है, आज के परिवेश को देखते हुए लोगों को क्या संदेश देंगे आप? इस कार्यक्रम के द्वारा समाज में चारों तरफ इसका प्रकाश फैलेगा, खास करके वर्तमान छात्रों के लिए आवश्यक होगा कि जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई अपने गुरुजनों का आदर और सम्मान कर रहे हैं, हमें भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए, यही संदेश चारों तरफ में। जी इस कार्यक्रम में आज के जमाने में लोग अपने माँ बाप को नहीं पूछते, गुरु तो अलग चीज हो गई, क्या हो सकता है, समाज में इसी की यही विकृति आ गई है। हम लोग जब विद्यालय में पढ़ा रहे थे और यही विद्यार्थी जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं इनको यही शिक्षा दी जाती थी, खास करके नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ये सारी बातें आ जाती हैं कि हमें बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, परिवार के अंतर्गत अभिभावकों के साथ, अपने छोटे भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, बहन के साथ, माता के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए और किस प्रकार उनका सम्मान करना चाहिए, हम लोग नैतिक शिक्षा में यही सब बातें मुख्य रूप से पढ़ाते थे और बताते थे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।